अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियोस वर्ल्ड की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मारूफ अदाकार हमजा अली अब्बासी हमेशा खबरों में रहते हैं। अभी चंद दिन पहले इंडियन टीवी चैनल्स इनके खिलाफ खूब प्रोपेगंडा कर रहे थे कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट है। हमजा अली अब्बासी ने इस बात पर ऐसा करारा जवाब दिया कि इंडियन न्यूज चैनल्स की बोलती बंद होगी और वो दुम दबाकर भाग गए। इस खबर की तफसील हम बताएंगे, लेकिन पहले एक खुशखबरी सुन लें। हमजा अली अब्बासी को शोहरत तो खूब मिली, लेकिन दुल्हन नहीं मिल रही थी। अब उनका ये मसला भी हल हो गया है। नई खुबरू अदाकारा निमल खावर और वो जल्द ही रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले हैं। ये शादी 25 अगस्त को हो रही है। शादी के दावत नामे भी तैयार कर लिए गए हैं, जो करीबी दोस्तों और अजीजों को भेजे जा रहे हैं। 26 अगस्त को दावत वलीमा होगी। दावत वलीमा में ज्यादा मेहमानों को मदु किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी शादी का दावत नामा भेजा गया है। अब देखते हैं कि इमरान खान अपनी पार्टी के इस कारकुन की शादी में शिरकत के लिए वक्त निकालते हैं या नहीं। हमजा अली अब्बासी की होने वाली शरीक हयात निमल खावर नौजवान अदाकारा हैं और कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। हमजा अली अब्बासी पाकिस्तान की ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री से गुज़श्ता कई बरसों से वाबस्ता हैं। वो कई सुपरहिट ड्रामों और फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करके शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच चुके हैं। जबकि अदाकारा निमल खावर पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में कदरे नहीं है, ताहम उन्होंने कम ही वक्त में अपनी बेहतरीन अदाकारी की बदौलत खासी शोहरत समेटी है। दोनों का एक ड्रामे की प्रोडक्शन पर एक दूसरे से तारुफ हुआ और देखते ही देखते रबते मोहब्बत में बदल गए। निमल खावर इन दिनों एक ड्रामे अना में काम कर रही हैं। शादी के बाद वो शोबिज में रहेंगी या निजी जिंदगी को तरजीह देंगी, इसका फैसला दोनों मियां बीवी शादी के बाद करेंगे। ताहम हमजा के करीबी अजीजों का कहना है कि निमल जारी ड्रामों को मुकम्मल करेंगी, जिसके बाद वो ड्रामों से अलहदा हो जाएंगी। शोबिज से वाबस्ता अफराद की शादियाँ कम ही कामयाब होती हैं। बहरहाल हम हमजा और निमल की शादी पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। अब हमजा अली अब्बासी के बारे में एक दूसरी खबर। भारतीय हुकूमत की जानिब से रवां माह 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर को खसूसी हैसियत देने वाले आयन के आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के बाद इंडियन हुकूमत के साथ साथ उसका मीडिया भी दुनिया को धोखा देने में मसरूफ दिखाई देता है। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म किए जाने पर भारत पर होने वाली आलमी तनकीद को छुपाने के लिए भारतीय मीडिया जहाँ अपनी हुकूमत की तारीफ करने में मसरूफ है, वहीं वो पाकिस्तानी हुकूमत और शख्सियात के खिलाफ भी मुहिम शुरू किए हुए हैं। पाकिस्तान के जश्न आजादी के मौके पर भारतीय टीवी चैनल रिपब्लिक की जानिब से एक प्रोग्राम में पाकिस्तानी हुकूमत वजीरों सियासतदानों और शोबिज शख्सियात के हवाले से मनगढ़ंत दावे करते हुए मकबूजा कश्मीर की हमायत करने वालों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का एजेंट करार दिया गया। भारतीय टीवी ने जिन पाकिस्तानी शख्सियात को खुफिया एजेंसी का एजेंट करार दिया, उनमें अदाकार हमजा अली अब्बासी भी शामिल थे, जिन्होंने रिपब्लिक टीवी के प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट्स ट्विटर पर शेयर किए। हमजा अली अब्बासी ने प्रोग्राम के मेजबान को झूठ फैलाने वाला शख्स करार देते हुए भारतीय मीडिया को भी गलत अफवाहें फैलाने का ठेकेदार करार दिया। हमजा अली अब्बासी ने प्रोग्राम में किए गए दावों पर जवाब देते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के खुफिया अदारे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI के खुफिया एजेंट नहीं बल्कि वाजह तौर पर एजेंट है। हमजा अली अब्बासी का कहना था कि उन्हें फख्र है कि वो मुल्क के खुफिया इदारे के एजेंट हैं। उनका कहना था कि जिस तरह 20 करोड़ पाकिस्तानी ISI के एजेंट हैं, वो भी उसी तरह अपने मुल्क के मुहाफिज इदारे के एजेंट हैं। हमजा अली अब्बासी के इस बेबाक जवाब ने इंडियन मीडिया को शर्मिंदा कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए। और हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, मेरा और हम सबका अल्लाह हामी व नासिर।